एक केस का अंदर से 10 को 6 मिल जाएगा एक सीजन में। तो आप सोच ही सकते हो ज्यादा अंडे बच्चे मिलने के, सीट का प्राइस कम है और जबस्पैरो का प्राइस भी बहुत हाई है, तो एकदम पक्का है जबस्पैरो पालने में आपको बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल राजूवाल पेट्स। तो आज का इस वीडियो में दिखाएंगे, सामने सर्दी का मौसम आ रहा है और इस सर्दी का मौसम में जबस्पैरो बहुत ही ज्यादा अंडे बच्चे करते हैं, तो बहुत सारे लोग पालने का कोशिश भी कर रहे हैं। और जबस्पैरो का कौन सा केज साइज ज्यादा पसंद है, कौन सा केज देने से जबस्पैरो ज्यादा अंडे बच्चे कर लेगा, तो वही सब इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो चलिए जबस्पैरो का जो केज होता है वो केज को आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो चले आए हैं मेरा जबस्पैरो का केज का सामने, और देख सकते हो इधर एक जुड़ी है, इधर एक जुड़ी है, और उस केज में भी जबस्पैरो है। तो ये जो जबस्पैरो का केज मैंने देखा रखे है, एक केज देख सकते हो 8 इंची हाइट में है, ऊपर से नीचे तक 8 इंची है, और इधर से इधर तक 8 इंची देकर रखे है। और इस केज का जो डीप है वो डीप देकर रखे है 8 इंच, यानी कि स्क्वायर वाला केज देकर रखे है, देख सकते हो। टोटल ये जो केज देना होगा आपको 8 इंची हाइट बनाना होगा, 8 इंची चौड़ाई में देना होगा, और इस केज का डीप को देना होगा 8 इंच। इधर एक बड़ा वाला गेट देकर रखे है, और इधर सीड मिक्स पानी देने के लिए छोटा वाला गेट रखे है। तो ये केज जबस्पैरो ज्यादा पसंद करते है, और देख सकते हो जबस्पैरो छोटा कैटेगरी का बर्ड है, तो इस साइज केज देने से जबस्पैरो ज्यादा अंडे बच्चे कर लेगा। और 2 फीट बाई 2 फीट का भी केज देख सकते हो, 2 फीट डीप में रहना होगा और 2 फीट चौड़ाई में रहना होगा, और 8 इंच हाइट में देना होगा। एक केज में भी जबस्पैरो ज्यादा अंडे बच्चे कर लेगा, तो शॉर्ट जगह में बहुत सारे केज भी आप बिठा सकोगे। और फ्रेंड्स आप लोग जानते हो जबस्पैरो एक हंडिया का अंदर से, मतलब एक जुड़ी का ऊपर से 10 को चिक्स आसानी से मिल जाते हैं। एक हंडिया से 10 चिक्स निकल आएगा सारा ठंड का मौसम में। ये जो सर्दी का मौसम में जबस्पैरो ज्यादा अंडे बच्चे करते हैं, एक हंडी एक जुड़ी से आपको 10 चिक्स मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हो 10 जुड़ी 20 जुड़ी होने से आपको 100-200 चिक्स आसानी से मिल जाएगा। और शॉर्ट जगह में बहुत सारे केज भी आप बिठा सकते हो, ज्यादा केज का बड़ा साइज देने का जरूरत नहीं है। तो इस साइज केज देने से जबस्पैरो ठीक ठाक रहेगा, जबस्पैरो ज्यादा अंडे बच्चे कर देगा। और फिर ये लोग बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं पैडी, थोड़ी सी दाना दे देने से और उसके ऊपर पैडी थोड़ी सी दे देने से ये लोग बहुत शौक से खा लेता है। तो आप लोग सोच सकते हो पैडी का प्राइस बहुत ही कम है, और सीजनिक साबी का भी 80 रुपया चल रहा है सफेद वाला कांगी। एक्चुअली इन लोगों का छोटा केज देने से भी ये लोग अंडे बच्चे कर देता है, और इसका जो फूड्स होता है इसका पूछ का प्राइस भी लो है। और ये जो जबस्पैरो इंडिविजुअल केज में ही बहुत ज्यादा अंडे बच्चे करते हैं। बहुत सारे लोग जबस्पैरो कॉलोनी में पल रहा है, तो कॉलोनी में ज्यादा अंडे बच्चे पाने का चांस बहुत कम रहते हैं। तो इंडिविजुअल केज में रखने से, इस टाइप का केज साइज देकर रखने से आपको आसानी से एक केज का अंदर से 10 को 6 मिल जाएगा एक सीजन में। तो आप सोच ही सकते हो ज्यादा अंडे बच्चे मिलने के लिए आपको इंडिविजुअल केज में जबस्पैरो को बिठाना होगा। आप लोग जानते ही हो जबस्पैरो चारों कलर में दिखाई जाते हैं, फॉन्ट कलर, सिल्वर कलर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर। तो सबसे अच्छा लगता है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर जावा को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत देखने को भी मिल जाते हैं। ब्लैक कलर जावा मेरे को बहुत पसंद है। ये जो आप जबस्पैरो देख रहे हो, इन लोगों का कुछ खास परिचर्या नहीं है, हफ्ते में 4 से 3 दिन एक बिस्किट देने से ये लोग बहुत ज्यादा अंडे बच्चे कर लेगा। और आपको रखना होगा इंडिविजुअल केज में रखना होगा जबस्पैरो को, मैंने जिस तरह देकर रखे है 8 इंच बाई 8 इंच बाई डीप देकर रखे है 8 इंच, इस तरह इंडिविजुअल केज में रखना होगा। और इस तरह मेंटेन देने से जबस्पैरो ज्यादा अंडे बच्चे कर लेगा। एक्चुअली आपको रखना होगा इंडिविजुअल केज में। तो गाइस उम्मीद रखता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पे नया आए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं और भी मजेदार वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।